फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आराध्य क्लासेस, स्टैंडर्ड 12, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी एंड चैप्टर नंबर 1, एन इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। फ्रेंड्स, पार्ट 11, ये चैप्टर के अंदर जो टोटल सम की बात यहाँ पर करने जाओगे तो टोटल 9 टॉपिक्स यहाँ पर है, जिसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब मैं 5th नंबर का टॉपिक यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ये भी ध्यान रख लेना खास, ये भी इम्पोर्टेंट है। लिखा क्या क्वेश्चन के अंदर, पार्टनर शेयर इज गिवन एंड फ्रॉम दैट फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया होगा आपको कि पर्टिकुलर एक पार्टनर का शेयर दिया हुआ होगा और उसका प्रॉफिट भी दिया हुआ होगा और उसके ऊपर से अपने को टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है और बाद में फिर मैनेजर का कमीशन हो तो मैनेजर का कमीशन भी क्या करना है, टोटल प्रॉफिट के ऊपर फाइंड करना है। बेसिक मेन हेडिंग ये खास ध्यान रख लेना कि वन पार्टनर का प्रॉफिट दिया हुआ होगा उसके ऊपर से आपको टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है और वही टोटल प्रॉफिट के ऊपर से अपने को मैनेजर का कमीशन भी क्या करना है, फाइंड करना है। तो इधर मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं, अच्छी तरह ये भी ध्यान रख लेना कैसे यहां पर मैनेजर का कमीशन फाइंड करना है। अब क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा होगा कि बेसिक चीज ये खास ध्यान रखना, ई एफ जी आर पार्टनर, ई एफ जी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस आर 4:2:3, 4:2:3। If profit of FR, if profit of partner कौन सा F R 30,000 rupees, then find out 10% मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन ऑन टोटल प्रॉफिट। देखो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर यहां पर 3 पार्टनर्स दिए हैं ई एफ जी, तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो भी दिया हुआ है 4:2:3। पार्टनर एफ जो सेंटर में है उसका प्रॉफिट शेयर भी आपको दिया हुआ है, 30,000 रुपये दिया हुआ है। एफ का प्रॉफिट शेयर 30,000 दिया हुआ है, आपको मैनेजर का कमीशन फाइंड करना है 10%। तो मैनेजर का कमीशन कैसे फाइंड होगा वो एक चीज याद रखना, यहां पर एक रीजन ध्यान रखना, मैनेजर तीनों पार्टनर का है, कोई पर्टिकुलर एक पार्टनर का मैनेजर नहीं है, समझ लेना। आपको मैनेजर का कमीशन फाइंड करना हो तो कंपलसरी पहले टोटल प्रॉफिट फाइंड करना पड़े एंड बाद में वो टोटल प्रॉफिट के ऊपर से आपको 10% के मुताबिक मैनेजर का कमीशन यहाँ पर कंसीडर करना पड़े। ओके, तो ये एक टॉपिक खास ध्यान रख लेना कैसे मैनेजर का कमीशन फाइंड करता हूँ, बराबर। तो सबसे पहली चीज़ जो क्वेश्चंस के अंदर आपको ध्यान में रखने की है, इधर आपको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन के अंदर पहले प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4:2:3 ई एफ और जी, 4:2:3 तीनों पार्टनर का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ है 4:2:3। प्रॉफिट ऑफ एफ
एफ प्रॉफिट बराबर, एफ का प्रॉफिट दिया हुआ है रुपीज 30,000। पार्टनर एफ प्रॉफिट दिया हुआ है रुपीज 30,000 अपने को मैनेजर का कमीशन। तो अब मैं कैसे कर रहा हूं शेयर ऑफ, अब देखना इसके ऊपर से खास ध्यान। एफ का प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में, एफ का शेयर कितना है देखो, ये एफ का शेयर है, शेयर ऑफ एफ कितना होगा 2/4, 2/6, 3/9 बराबर 2/9। शेयर ऑफ एफ इज इक्वल टू 2/9। ये चीज अभी ये एफ के शेयर के ऊपर से मैं टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट फाइंड करूंगा और बाद में फिर मैनेजर का कमीशन यहां पर मिलेगा। तो ऐसे स्टेप लिख रहा हूं, शेयर ऑफ प्रॉफिट एफ और बाजू में लिख रहा हूं यहां पर टोटल प्रॉफिट शेयर। अगर एफ का शेयर 2/9 हो तो टोटल प्रॉफिट शेयर 1 होगा, इतना याद रखना टोटल प्रॉफिट शेयर 1 ही होगा। 4/9, 2/9, 3/9 करोगे तो टोटल 1 आ जावे। एफ का शेयर जो 2/9 हो तो टोटल शेयर 1 हो। अगर एफ का प्रॉफिट शेयर 30,000 हो तो हाउ मच क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 30,000 × 1, 30,000 × 1 ये नीचे आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/9 का हो जाएगा 9/2, 1,35,000 ये आंसर आ गया टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट आपको यहां पर मिल गया 1,35,000, 1,35,000 टोटल प्रॉफिट आया। और ये जो 1,35,000 टोटल प्रॉफिट आया उसका आपको 10% मैनेजर का कमीशन फाइंड करना है। तो नीचे फाइंड कर देता हूं, देयर फॉर मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू 1,35,000, ये जो टोटल प्रॉफिट आया उसका 10%, मतलब फाइनल आंसर यहां पर मैनेजर का कमीशन मिल गया 13,500। कितना मिला यहां पर 13,500 बराबर 13,500 मैनेजर का कमीशन आया। तो ये क्वेश्चन के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि एक पार्टनर का प्रॉफिट दिया हुआ था, अपने को टोटल प्रॉफिट फाइंड करना था और वही टोटल प्रॉफिट के ऊपर से मैनेजर को कमीशन मिला। मेरे पास दूसरी एक मेथड भी है, वो भी आपको बता देता हूं। अगर आपको मैनेजर का कमीशन फाइंड करना हो, इधर तो मैंने क्या करा कि एक पर्टिकुलर पार्टनर का प्रॉफिट शेयर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था और मैंने टोटल प्रॉफिट शेयर डायरेक्ट फाइंड कर दिया। अगर आपको ई और जी का भी फाइंड करना हो तो भी कर सकते हो बराबर। तो मेरे पास एक दूसरी मेथड है, देख लेना इधर साइड में बता रहा हूं और करके। एफ शेयर ऑफ प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 30,000 रुपये, ध्यान रख लेना ये भी। एफ शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 30,000, एफ का शेयर 30,000 रुपये दिया हुआ है। इधर शेयर ऑफ एफ 2/9 है बराबर, अभी क्या काम करना है सबसे इजी चीज बता दो आपको, ये ई का भी प्रॉफिट फाइंड करना हो और जी का भी प्रॉफिट फाइंड करना हो तो कर सकते हो। इसके लिए एक टेक्निक है, कैसे करना है तो जो एफ का रेशियो है ना 2, इधर देखो एफ का रेशियो कितना 2 है और एफ का प्रॉफिट कितना है 30, तो क्या करना है आपको ये 30,000 जो है उसको 2 से डिवाइड कर दो। यहां पर देख लेना, शेयर की जगह पर मैं रेशियो लिख देता हूं, चलो शेयर नहीं लिखता इधर लिख देता हूं रेशियो ऑफ एफ। तो रेशियो की बात करने जाओगे तो ओनली 2 आएगा, ये 2 आएगा। तो देयरफॉर ये दूसरी मेथड में क्या करने का है, बेस ऑफ प्रॉफिट्स है, बेस ऑफ प्रॉफिट्स है, देख लेना खास। बेस कैसे होगा तो जो प्रॉफिट
एफ का दिया है 30,000 और एफ का शेयर रेशियो कितना है 2, तो इसको डिवाइड कर दो, 30,000 / 2 तो 15,000 रुपये आएंगे, 30,000 / 2 तो 15,000 रुपये आएंगे। ये 15,000 जो आए मल्टीप्लाई बाय ये कर दो 4 बराबर, तो ई का प्रॉफिट शेयर मिल जाएगा, इस प्रॉफिट शेयर 15,000 × 4 तो 60,000 रुपये मिलेंगे। और सेम एज जी, जीज प्रॉफिट इज इक्वल टू बेस तो यही लेने का 15,000 × कितना है 3, तो 15 × 3 = 45 बराबर, देख लो तीनों का मिल गया, ई का प्रॉफिट, जी का प्रॉफिट और एफ का प्रॉफिट तो क्वेश्चन में दिया है वही है, टोटल कर दो तीनों का 30,000, 60,000 और 45,000 तीनों का टोटल करोगे तो कितना आएगा 1,35,000 आ जाएगा। देख लो करना हो तो कर लो, टोटल 60,000 + 30,000 + 45,000 तीनों का टोटल करोगे तो 1,35,000 रुपये यहाँ पर जो आपको टोटल प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पर, किसका, ए फर्म का, ई एफ जी दो तीनों का, और डायरेक्टली उसका 10% कमीशन कर दो तो अभी आंसर आ जाएगा 13,500। आपको मैंने दूसरी मेथड बताई है, आपको करना हो तो करो कोई बात नहीं, पर ये दूसरी मेथड भी है कि अगर आपको प्रॉफिट रेशियो कोई पर्टिकुलर पार्टनर का दिया हो तो उसको रेशियो से डिवाइड कर दो, तो 30,000 / 2 तो 15,000 आएगा, वो 15,000 आपका बेस हो गया, 15 × 4 = 60, 15 × 2 = 30, 15 × 3 = 45 टोटल कर दो 1,35,000 और उसका 10% कमीशन आपको जो क्वेश्चन में फाइंड करना है, तो इस तरह से आप मैनेजर का कमीशन भी क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो ये आपको यहाँ पर दूसरी एक मेथड भी बता दी कि कैसे यहाँ पर मैनेजर का कमीशन फाइंड करना है, ठीक है ना। थैंक यू।